गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स। तो ये देखो, अब हम SST का अगला पोर्शन करते हैं। कल मैंने आपको जो है ये इंडिया के मैप के बारे में और वाटर बॉडीज के बारे में आपको मैंने बता दिया था। आज मैं आपको जो है रिल्म्स ऑफ अर्थ यानी धरती के कौन कौन सी एरिया है उसके बारे में बताऊंगा। देखो हमारी धरती जो है, पहली बात तो देखो, एवरीथिंग दैट सराउंड अस मेक अवर एनवायरमेंट, यानी जिन सब चीज़ों से हम घिरे हुए हैं, हवा से, पानी से, जानवरों से, पेड़ पौधों से, इन सब को हम एनवायरमेंट कहते हैं। द एनवायरमेंट हैज़ बोथ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हमारे चारों तरफ जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये सब क्या हैं? एनवायरमेंट ही हैं। इनको हम चार में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर भी हमारे चारों तरफ है, दूसरा एटमोस्फीयर यानी हम हवा से भी घिरे हुए हैं, लिथोस्फीयर यानी जमीन, हम जमीन पर रहते हैं तो हमारे चारों तरफ जमीन भी है, और बायोस्फीयर यानी हमारे आसपास लिविंग थिंग्स भी हैं, जानवर भी हमारे आसपास रहते हैं। तो वाटर का वाला जो पोर्शन आता है उसको हम हाइड्रोस्फीयर में शामिल करते हैं, एयर वाले पोर्शन को हम एटमोस्फीयर में शामिल करते हैं, और लैंड वाले पोर्शन को, जमीन वाले को हम लिथोस्फीयर कहते हैं, और बायोस्फीयर जो जिसमें सभी जानवर पेड़ पौधे आते हैं उसको बायोस्फीयर कहते हैं। तो आज सबसे पहले हम हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं, हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर के बारे में। हाइड्रोस्फीयर इज द रियम्स ऑफ वाटर, यानी ये पानी का एरिया है, पानी का क्षेत्र है जिसके अंदर हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ऑल वाटर बॉडीज ग्लेशियर्स अंडरग्राउंड वाटर टुगेदर मेकअप द हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर किससे बनता है? सभी तरह की वाटर बॉडी जो मैंने कल आपको पढ़ाई थी, वो ग्लेशियर अंडरग्राउंड वाटर, ये सारे मिलकर के बनाते हैं, हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं। अब इस हाइड्रोस्फीयर की इंपॉर्टेंस क्या है? द हाइड्रोस्फीयर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, वही अंडरग्राउंड वाटर प्रोवाइड अस ड्रिंकिंग। अंडरग्राउंड वाटर जो है हमारे पीने के काम में आता है। ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर सप्लाई वाटर प्लांट एंड वाटर एनिमल। पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उससे पानी वाले जो प्लांट्स होते हैं उनको ऑक्सीजन मिलती है, और वाटर एनिमल को भी ऑक्सीजन उससे मिलती है। वाटर इवोपरेट्स फ्रॉम वाटर बॉडीज कंडेंस एंड फॉल बैक ऑन द अर्थ एज हेल और स्नो। पानी भाप बन के उड़ता है, फिर वो बादल बनते हैं, और फिर वापस से बारिश बन के वो ओलों के रूप में या बारिश के रूप में बरसता है। साल्टी वाटर ऑफ सी एंड ओशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ और साल्ट फॉर अस। समुद्र का जो नमकीन पानी होता है उससे हमें नमक मिलता है, ठीक है। द सी एंड द ओशन प्रोवाइड अस मैनी फूड सोर्सेज लाइक फिश क्रैब एंड सी वीड्स। समुद्र के अंदर जो जानवर होते हैं जैसे फिश है, क्रैब है, और जंगली जो खरपतवार है उस वो हमारे खाने के काम में आती है। ये देखो एक ये वाटर साइकिल के बारे में बताया हुआ। देखो ये वेपोराइजेशन हो रहा है यानी पानी भाप बन के ऊपर उठ रहा, पानी भाप बन के ऊपर उठ गया, बादल बन गए, और बादल देखो वापस बरस रहे हैं, ठीक है ना, तो पानी वापस आए, तो इसको हम कहते हैं वाटर साइकिल। क्या कहते हैं? वाटर साइकिल कहते हैं। अच्छा आगे हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर देखो, एटमॉस्फेयर क्या है? द एटमॉस्फेयर इज लाइक ए थिक ब्लैंकेट ऑफ गैसेस विद लाइक ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड विद द सराउंडिंग ऑफ द। हमारी धरती को चारों तरफ जो हवा ने घेर रखा है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। दीज गैसेज आर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल। ये जो गैसेज होती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कई सारी गैसेज होते हैं, सबसे ज़्यादा गैस नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये सारी गैसें हमें जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होती है। जैसे देखो एटमॉस्फेयर की क्या इंपॉर्टेंस है, देखो ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर यूज्ड बाय ह्यूमन एंड ऑल टू सर्वाइव। तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन जो है वो सभी जानवरों को सांस लेने के लिए जरूरी होती है। अगला, एटमॉस्फेयर प्रिवेंट द हार्मफुल रे ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सर्फेस। धरती के ऊपर जो ये देखो हमारे ये प्रोटेक्टिव लेयर है, ओजोन लेयर जिसको कहते हैं, ये सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज से हमको बचाती है। एटमोसफियर कंट्रोल्स हीट फ्रॉम द एस्केपिंग फ्रॉम द अर्थ एट नाइट एंड द अर्थ रिमेन्स वार्म। रात के समय भी ये जो हमारा एटमोसफियर होता है रात को पूरी गर्मी को बाहर निकलने से रोकता है, ताकि धरती रात को अचानक से ठंडी नहीं होती है। एयर इज द मीडियम दैट कैरीड साउंड वेव एंड हेल्प अस टू टॉक एनी। हवा की वजह से ही हम आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अगर हवा बीच में से हमारे हटा दी जाए तो हम बात नहीं कर सकें। बर्ड्स एंड काइट्स आल्सो फ्लाई इन देयर। हवा की वजह से ही पक्षी और पतंगे हम उड़ती हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको हाइड्रोस्फीयर के बारे में और एटमॉस्फेयर के बारे में और हाइड्रोस्फीयर के बारे में बताया। कल मैं आपको लिथोस्फीयर के बारे में बताऊँगा। ओके बाय।